हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ग्रिड मेथड, जो किसी चित्र को ड्रॉ करने के लिए यूज की जाती है, उसे पेपर पर कैसे बनाया जाता है। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है ग्रिड मेकर, जो आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। अब आपको अपने मोबाइल पर एप्लीकेशन खोल लेना है ग्रिड मेकर। इसको खोलने के बाद आपको फाइल चूज करनी है, उसके बाद यहाँ से एक फाइल सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पर आपको स्क्वायर पर क्लिक करना है। और स्क्वायर को क्लिक करने के बाद आपको जो तिरछी लाइनें दी हैं, 3 तिरछी 3 को क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर 5 लिखा हुआ आएगा, यहाँ पर आपको 14 कर देना है, 14, और ओके कर देना है। इससे क्या होगा, आपके 14 खड़े में ग्रिड मिल जाएंगे और 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे तिरछे में ग्रिड मिल जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, जो इसकी लाइन दिख रही है वो ज़्यादा मोटी है, उसके लिए आपने यहाँ पर एक डंडा दिया है, इसको क्लिक करना है और यहाँ पर 4 की जगह आपको 1 कर देना है, तो ये जो लाइन की थिकनेस हो जाएगी वो कम हो जाएगी। इसके बाद आपको इसको यहाँ पर सेव कर देना है दूसरे वाले बटन पर और ये आपकी फाइल सेव हो जाएगी। उसके बाद आपको गैलरी पर जाना है और यहाँ से आपको ग्रिड मेकर पर जाना है, जहाँ आपको ये रेफरेंस फोटोग्राफ और उसका ग्रिड्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको 8 ग्रिड्स ऐसे तिरछे में मिले हैं और 14 ग्रिड खड़े में मिले हैं। अब आपको एक A4 शीट लेना है और उसके दोनों साइड्स को नाप लेना है, जिसकी एक साइड होती है लगभग 30 सेंटीमीटर की और जो दूसरी साइड होती है वो होती है 21 सेंटीमीटर लगभग। इसके बाद आपको 30 सेंटीमीटर वाले साइड के दोनों साइड 1-1 सेंटीमीटर पर डॉट लगा देने हैं। ऊपर और नीचे ऐसे ही दूसरे साइड भी करना है। अब जो बिंदु हमने बनाए हैं उन पर हमें लाइन खींच देनी है, छोटे वाली साइड में, दोनों साइड से। अब खींची हुई लाइन पर हमें दोनों साइड से डॉट्स लगाने हैं। इसमें दोनों साइड 2.5 सेंटीमीटर का डॉट लगेगा, जो बीच में जो जगह बचेगी वो बचेगी तुम्हारी 21 में से 5 घटा के 16 सेंटीमीटर की। वैसे ही नीचे भी करना है। जो हमारा 16 सेंटीमीटर है उसको हम 8 भागों में बांटेंगे 2-2 सेंटीमीटर करके। वीडियो को देखते जाए आप समझ जाएंगे। अब लगे हुए डोंटों पर भी हमें लाइन खींच देनी है। कुछ इस प्रकार से। अब जो हमारी डॉटों के बीच की जो छोटी वाली लाइन है वो हमारी 16 सेंटीमीटर की है, उसके हमें 8 भाग करने हैं, यानी एक जो भाग होगा वो 2 सेंटीमीटर का होगा। ये 8 भाग हम जो हमें ग्रिड मिला है उसके हिसाब से कर रहे हैं। दोनों साइड से सेम प्रोसेस फॉलो करना है। उसके बाद लंबे वाले साइड
जो हमारी 28 सेंटीमीटर की है। 30 सेंटीमीटर से हमने दोनों साइड्स 1-1 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट कर दिया था, तो उसको भी हमें दो दो करके बांट देना है, जो कि 14 भागों में बटेगा। इस तरह से इसी प्रकार हमें दूसरी साइड भी करना है। इसके बाद हमें जो भी डॉट्स मिले हैं उनको आपस में एक दूसरे के आमने सामने पर लाइन खींच देनी है। कुछ इस तरीके से इसी तरह सारी लाइनें खींचनी है, तिरछे में भी और खड़े में भी। और इसी तरह हमें एक 14x8 का ग्रिड मिल जाएगा, जिसमें हम आने वाले समय पर आउटलाइंस ड्रॉ करेंगे। ये ग्रिड हमने टाइगर के लिए बनाया था, तो हम इस पर टाइगर की ही आउटलाइन ड्रॉ करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि किसी चित्र की आउटलाइन कैसे बनाई जाती है। तो बने रहे मेरे साथ, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।